आपका नाम बता दो। नैतिक कुमार। नैतिक कुमार है आपका क्या बच्चा? रचित। अरे रचित तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो केयर टेकर है उनके बच्चे थे, ये स्कूल से आए अभी, ऊपर आंगनवाड़ी स्कूल में जाते हैं रामगढ़ में ही। गाइस यहाँ पर हम लोग आए थे, मैं अपना पर्स भूल गया, होटल में सब जगह देख लिया, पर्स नहीं मिल रहा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये त्रिशा है, ये अद्विक है, ये मैं हूँ दीपक, और भारती लेने गई है चिप्स और चॉकलेट क्योंकि हम जा रहे हैं माउंटेन्स पे घूमने। गुड मॉर्निंग, आज मेरी छुट्टी है। गाइस आ चुकी है भारती सामान लेके बच्चों के लिए चिप्स चॉकलेट, और हम लोग पहुंच चुके हैं रानी बाग में। इनको दिखा रहे हैं नया पुल, यहाँ से अद्विक देख रहा है और यहाँ से भारती देख रही है। और यहाँ से देखिए गाइस, ये नया वाला पुल, इसको अभी हम क्रॉस करके निकलते हैं। ने लिया एक लंच कम ब्रेकफास्ट ब्रेक, घर से कुछ खाया नहीं है। पीछे आप मेरे व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कुछ खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस खाना खा लिया है, लंच के बाद खाते हैं गर्मा गर्म चाय। हाँ लंच के बाद पीते हैं गर्मा गर्म चाय। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, रामगढ़ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे हमारा कोई प्लान नहीं है, बस हम दौड़े जा रहे हैं आगे को, और बहुत मजा आ रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सो गया है, पीछे तीसा सो गई है, और मैं और भारती यहाँ पे बातें कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं। सो गाइस हम लोग रामगढ़ पहुँच चुके हैं। रामगढ़ में हम लोग ने ये होम स्टे लिया हुआ है, पीछे आप हमारा होम स्टे देख सकते हैं। ये हमारा होम स्टे कम रिजॉर्ट है, अभी हम इसे चेक इन करते हैं। पीछे मैं आपको वैली दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी थक गए, अब उनको उतारते हैं गाड़ी से। आ जाओ नया होटल, आ गया, आ जाओ नीचे। पहले मैं आप लोग को अपना रूम टूर देता हूँ, जिससे कि बच्चे उसको बाद में खराब कर देंगे। तो यहाँ से मैंने एंट्री करी। एंट्री करते ही इसमें पहले वॉशरूम है। वॉशरूम में एक ये नया कंस्ट्रक्शन है, पहले मैं आपको बताती हूँ। नई प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, इस प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं अभी होम स्टे, और जो रिजॉर्ट बन रहा है ये अभी यूज नहीं हुआ है, सब कुछ नया है। यहाँ पर गीजर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक बेड है जिसपे कि हम लोग स्टे करेंगे रात को। ये बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे कबर्ड लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ बेड। सो यहाँ पे एक क्वीन बेड लगा हुआ है, और ये विंडो है जहाँ से आपको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। अगर मैं विंडो खोलूं तो देखिए आपको यहाँ से होम स्टे की फीलिंग आएगी बाहर निकल के। और ये सराउंडेड बाय लस ग्रीन फॉरेस्ट है। क्यों भारती कैसा लगा? सो गाइज ये रामगढ़ में हम लोग एक प्रॉपर्टी में आए हुए हैं, बिल्कुल नियर टू मुक्तेश्वर है। अब मैं आपको यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो बाहर निकलने के लिए जैसे मैंने इसे खोला तो यहाँ से हम बाहर आ गए, और ये अभी यहाँ पर कुछ काम चल ही रहा है। तो ये नई प्रॉपर्टी से मैंने बताया था आपको, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है, एंड दिस इज अवर रिजॉर्ट फॉर टुनाइट। गाइज यहाँ पे ठंड लग चुकी है इन लोगों को, हमारे सारे के सारे जो हमारे ट्रेवल पार्टनर्स हैं सबको ठंड लगी है, तो ज्यादा ठंड लग रही है भारती को, और हम उसे फिर से रामगढ़ लेके आ गए हैं जिससे वो बहुत डरती है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है। मुक्तेश्वर और रामगढ़ से भारती की हालत खराब हो जाती है। और ये यहाँ से हम आपको एक और नजारा दिखाते हैं। खोलो अरे खोल बाहर नजारा यार, कैसे लोग हैं हमारे साथ। बहुत हवा चल रही है, बहुत ठंड है, देखो सब लोग ने जैकेट पहन लिया है, टोपी लगाओ बच्चों, बहुत ठंड है। और यहाँ पे बिल्कुल वीरान सा इलाका, कोई आपको दिखेगा नहीं, और बस यहाँ पे क्लाइमेट का मजा लो। अब हम यहाँ से थोड़ा सा वॉक करने जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग बाहर आ गए हैं, तीसा आ गई है, और यहाँ से जाते हैं इस रोड में। ये है हमारा जो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर जो रहती है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बच्चे आ रहे हैं स्कूल से। तीसा देख रही है छोटे बच्चों को, स्कूल से आ गए बच्चों। हेलो बच्चों, हेलो ले 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 ले, कहा नाम है बच्चे का? आपका नाम बता दो। नैतिक कुमार है। आपका क्या बच्चा? रचित। अरे रचित तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो केयर टेकर है उनके बच्चे थे, ये स्कूल से आए अभी, ऊपर आंगनवाड़ी स्कूल में जाते हैं रामगढ़ में ही। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा वॉक करने जा रहे हैं। नो ट्रैफिक, नो पोल्यूशन, नो शॉप्स एंड नो होम्स। बिल्कुल यहाँ पर एक तो रिजॉर्ट दिख रहे हैं, बाकी तो बिल्कुल ये वीरान इलाका है। ये रिजॉर्ट भी अभी हम जहाँ पर आए हैं होम स्टे, ये रिजॉर्ट बन रहा है, रिजॉर्ट कम होटल बन रहा है। इसका नाम भी नहीं रखा गया अभी, आज हम इसके बाद इसके पहले गेस्ट हम ही हैं। इसका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था, हम उससे पहले हमने इसकी ओपनिंग सेरेमनी कर दिया। ये बिटवीन रामगढ़ और मुक्तेश्वर के बीच में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, टुवर्ड्स तल्ला रामगढ़ जो रोड जाती है, आगे नथपाठान होते हुए अल्मोड़ा को निकल जाती है। भारतीय ठंड लग रही है, कितनी ठंड लग रही है? अभी अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा था इसलिए मैंने जैकेट कम्बल वगैरह सब रखा हुआ है, और रात के लिए कंबल अम्बल रजाई जाई सब लेके आए हुए हैं, गाड़ी में रख के एक्स्ट्रा लेके आए हुए हैं, क्योंकि यू नेवर नो कितना ठंड हो जाए। यहाँ से गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए एक ही रिजॉर्ट यहाँ पर भी पीछे भी दिख रहा है, रेड कलर का, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ जो प्लांटेशन होता है वो कैसे होता है, ये देखिए सनसेट होने वाला है, सनराइज होगी या तो कोई। हाँ ये नर्सरी टाइप की लग रही है, धूप अच्छी लग रही है, पहाड़ों वाली। हाँ पहाड़ वाली धूप अच्छी लग रही है।
बाकी घर वाले आपको दूर दूर कहीं एक दो दिखाई दे रहे हैं। छाया को छाया अच्छी लग रही है। तो भारतीय को बैठने के लिए अपना मोड़ा मिल गया है और वो यहाँ पर बैठ के धूप सीखेगी। नींबू सान के खा रहे हैं, नींबू सान के अच्छी लग रही है यहाँ पे पहाड़ों वाली धूप। अब तो वैसे ठंड भी आ गई। बच्चों थोड़ा ध्यान से बैठना, स्रोत का पानी भी है नीचे, स्रोत का पानी आ रहा है। वो देखिए एक पानी इकट्ठा करने के लिए बना रखा है, पानी भर रहे हैं वो लोग। स्रोत का पानी है, मैं आपको दिखाता हूँ स्रोत का पानी क्या होता है, कैसे आता है। ये देखिए ये स्रोत का पानी है जो आ रहा है। नीचे यहाँ पर एक बाल्टी लगाई गई है जिससे कोई अपना पानी ले जा सकता है। ये देखिए ये पहाड़ के बीच से कहीं से आ रहा है। हाथ लगा के देख लो, जाओ आगे लगाओ, ठंडा हो रहा है ना। गाइस यहाँ पर ये एक ही स्रोत नहीं है, आगे और स्रोत है। अच्छा आप आगे आओगे। यहाँ पर देखो लोगों ने अपने पाइप भी लगा रखे हैं जिससे ये घर में चला जाएगा सीधे। पाइप से कितनी तेज पानी आ रहा है। हाँ इसमें थोड़ा सा मेरे को अब हाथ बचा के अपने हाथ लगाना पड़ेगा क्योंकि बिच्छू घास भी होती है। ये यहाँ से मैंने उठा के, ये देखिए गाइस कितना मोटा पानी आ रहा है। पाइप किसने की ओर डाला रहता हूँ। अब यहाँ पर उसको अपने टैंकर भरना है तो टैंकर यहाँ खड़ा कर देगा, ये पाइप सीधे टैंकर में डाल देगा। अब देखिए जी ये देखने को मिल रही है तीसरा अधिक यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए तीसरा और अधिक दौड़ गए। सो दिस इज अवर रामगढ़ स्टोरी कंटिन्यूइंग। हमें बहुत ही अच्छा नीचे झरना सा गिर रहा है, काफी दूर है हमसे। हम लोग उस पानी के स्रोत में पहुंच ही गए, यहाँ से आ रहा है वो पानी और यहाँ इस जगह काफी पानी है। तो जंगल में यहाँ से कहीं से पानी आ रहा है। देखिए ये स्रोत ढूंढते ढूंढते हम लोग जंगल में आ गए हैं। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा ठंडा। मेरे हाथ चिल्ड हो गए, पानी चिल्ड हो रहा है लेकिन बहुत मजा आ रहा है। ऐसी नदी पहली बार देखिए जो स्रोत से इतना ज्यादा पानी आ रहा है, चिल्ड पानी है, नहीं चल पाएगा। सो गाइस यहाँ पे फ्रूटी और चिप्स पार्टी शुरू हो गई है। गाइज इवनिंग टी भारती को पेश करी जाती है। काश ऐसे ही रोज घर में भी हमें मिले, टाइम तो कम से कम मिले। ये सर्विस सिर्फ रिजॉर्ट में ही मिलती है। सो गाइज अंदर तीशा का दूध बन रहा है, बहुत ठंड हो गई बाहर, टू कोल्ड आउट है यार। नवंबर में ये हाल है, दिसंबर में तो यहाँ बर्फ ही गिर जाती है। गाइज यहाँ पर हम लोग आए थे, मैं अपना पर्स भूल गया होटल में, सब जगह देख लिया पर्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखते हैं लास्ट में, सारी जगह देख ली है। यहाँ पर शायद हम फोटो खिंचाने के लिए मिल गया, ये मिल गया पर्स। ये गाइस ओह माय गॉड इसमें मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, थैंक गॉड ये मिल गया। सो गाइस विश्वास नहीं हो रहा है मेरा पर्स मेरे को वापस मिल गया। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैं अपना पर्स टांगे रहता हूँ यहाँ पर, मैंने निकाल के फोटोग्राफी के लिए रख दिया था। थैंक गॉड मिल गया है, ये वीरान सी जगह में था, मेन रोड में नहीं था इसलिए मिल गया। थैंक यू सो मच गॉड, इसमें मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो दोबारा बनने मुश्किल होते हैं। थैंक यू। सब गाइस बहुत ही खतरनाक एक गड़बड़ हो गई थी, मेरा पर्स वही रह गया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब बड़ी मुश्किल से, दया से, आशीर्वाद से, लक्ष्मी किस्मत रही, मिल गया। और वो किस्मत ऐसी रही कि मैं उसे, आपने देखा जब मैंने आपको दिखाया था वीडियो भी बनाया, तो मैं ऊपर चढ़ के रखा था, ऊपर दीवार में था और वो बिल्कुल ऊपर चढ़ के था, तो इस वजह से वो बच गया। अगर मेन रोड में रखा होता तो बहुत मुश्किल होती। आज इन्हें मानना पड़ेगा नास्तिक को कि सच में भगवान, भगवान कहाँ से आ गया। ऊपर वाले ने मुझ पे कृपा करी और वो वापस मिल गया, ये सच्चाई है। किसी बुरी किसी की नजर नहीं पड़ी इसलिए बच गया, कोई चलने वाले की नजर नहीं पड़ी। अगर वहाँ पर कोई पानी भरने आ रहा होता तो वो ले जा लेता, वो क्या लेता। जिस लड़की का पर्स है उसका हस्बैंड ईमानदार, उसकी बीवी ईमानदार, वो ऐसे लॉजिक लगाने बैठता तो हो गया। चलो फिर ऊपर, अच्छा सुनो ऊपर आग जल रही है, लकड़ी जला रखी है बहुत गरम, ऊपर चलते हैं चलो। तो अब यहाँ पे होगी बॉन फायर और यहाँ पे लेंगे हम गर्मा गर्म आग का मजा। रात हो गई है, देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पे नजारा, सनसेट हो गया। सो गाइस यहाँ पे बच्चों पार्टी मस्ती कर रही है, एक कैट के साथ और एक डॉग के साथ। गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है रामगढ़ में, सामने वाले पहाड़ में धूप आ गई है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, हम लोग उठ गए, नहा लिया है। बच्चे यहाँ पर दो छोटे बच्चे रहते हैं, यहाँ पर जो केयर टेकर है उनके बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे भारतीय अभी शाह ले रही है, काफ़ी अच्छी धूप आई है यहाँ पर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाकी सिटीज़ में तो पॉल्यूशन हो रहा है बट यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा रह के। अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आगे अपनी जर्नी ऑनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेंगे। गाइस प्रॉपर्टी में यहाँ से लगा हुआ इनका ऑर्चिड है, गार्डन है जहाँ पर बहुत सारे फल होते हैं,
अभी तो ऑफ सीजन हो गया है, इसलिए ऊपर प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे थे। यहाँ पे गाय है और ये सब आपको जो मैं बता रहा था फ्रूट्स के पेड़ वही है। ये गाय का गोट है जैसे गाँव में होता है, और यहाँ पे एक गाय है जो अपना खाना खा रही है। गाय भी सोच रही कौन आ गया। देखिए कैसे पहाड़ों में लकड़ी में कैसे पानी गर्म होता है, तो यहाँ पे भी पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आप आइए। तो गाइस आ गई है भारतीय शाल लेके, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी लग रही है गुनगुनी धूप पहाड़ों की? बहुत बढ़िया, मजा आया ना। हाँ। तो हमारा स्टे गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, हमने यहाँ पे बहुत मस्ती करी है। हम ऐसे ही निकल के आ गए थे, हमें पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, बट हम यहाँ आए, हमें ये होम स्टे कम रिजॉर्ट कम होटल मिला, हमें बहुत मजा। गाइस भारतीय लोग को भी मैं लेके आ गया हूँ काऊ दिखाने। और तीसरा काऊ के पास जा रहे हैं, तीसरा आगे मत जाना, बहुत आगे काऊ मारेगी। यहाँ का ऑर्चिड है, कितना अच्छा लग रहा है। ये गाय का खाना है यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है, और यहाँ से आप पानी स्रोत का पानी देखिए, और ऊपर पहाड़ों का मजा लीजिए। गाय परेशान हो रही है, कौन आ गया क्या कर रहा है। तो गाइस हम लोग अपने रिजॉर्ट से निकल चुके हैं, तीसरा आगे बैठिए, हम लोग अब वापस निकल रहे हैं अपनी बैकवर्ड जर्नी में, बहुत मजा आया। तो गाइस यहाँ पर दोनों बच्चे सो चुके हैं।